बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश खिदमत है आपका मनपसंद प्रोग्राम गांव गांव शहर शहर। आपके अपने मेजबान सकीना यूसुफ के साथ पेश करते हैं आज की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के एक ऐसे अनोखे पेड़ के बारे में जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ नाजरीन, हम आज बात करने वाले हैं कश्मीर के चिनार के बारे में। नाजरीन, चिनार की खूबसूरती से तो आप बेखबर होंगे नहीं, लेकिन आज हम आपकी नॉलेज में और ज्यादा इजाफा करने वाले हैं। नाजरीन, चिनार का पेड़ बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही मोटा होता है और ये बहुत ही जगह पर फैला हुआ होता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर एक चिनार का पेड़ हो तो आसपास दो कनाल जमीन होना चाहिए। नाजरीन, कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में पिछले तकरीबन 500 सालों से चिनार के पेड़ मौजूद हैं। लेकिन कश्मीर में ही नहीं, बहुत सारे ममालिक में चिनार के पेड़ उगाए जाते हैं। नाजरीन, बात करते हैं आज के मौसम की, तो आज के मौसम में ये बिल्कुल हरा होता है, हरा होता है सर से पांव तक। लेकिन अब जब अगला मौसम आने वाला है तो इसका रंग हरा से बिल्कुल आग की तरह लाल हो जाएगा, जो कि बहुत ही दिलकश और पुरसुकून मंजर होता है। जी हाँ नाजरीन, इस पेड़ ने कश्मीरियों के दिलों में ही नहीं बल्कि कश्मीर में हर जगह अपनी जगह बना ली है। जहाँ हम निशात की बात करें या शालीमार की बात करें, या हम डल लेक की बात करें, या चिनार कॉलोनी की बात करें, या हम चिनार बाग की बात करें, हर जगह इसने अपनी एक पुरसुकून जगह बनाई है। दिखने में तो ये कोई फल फ्रूट नहीं देता, लेकिन हमारी जिंदगियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित है। इसका साया बहुत ही पुरसुकून होता है। कहा जाता है कि अगर इसके साये तले कोई इंसान बैठता है तो उसका खून बढ़ जाता है और उसका खून साफ होने लगता है। यही नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आइए हम इस वीडियो के बाद आपसे बात करते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। नाजरीन, खैर मकदम तुम सान चैनल मज क्या आज करो इस कथ बोन पे बोन क्या बेसिक अमी फायद क्या क्या मेव दी लेकिन बाकी फायदे नाजरीन दिवान क्या बोन तुम वनस अमी शहूल ये इंसान अमक शेरस मे बहान तो यूता इंसान महसूस करा कि शेजार गोस क्या वनकस गर्म तपिश यह इंसान बड़ सतान कि वनकस ये बोन तल तुम कीत अमुक कुल कित पे अमुक फायदे सलिस माशरस या इस यह बोन शहूल यह कूत खुश करा अत बरस अगर वो मन बोन हिसाब किताब ये हिसाब से अत मे शहूल करा ना तुम वो ये कि बोन कतिस रकबस मान या इस बोन शहूल यह कूत म्यूठ तो मजदार बे वो बेक कि सानी मज आव ज्याद लूट कर यानी कि लूट इत पा कि बोन आई चटने तो बोन सो सरस अ खजान खत्म इस खजान वार वार क्या कुन जाए वो अत कि बोन आई वतन मे तो मगर बोन चाहे वो सो गमेंटिक दस तम अजाब वोता या लूकन हिंदिस अजाब अस नमो पन्न सम्भल अ सड ये वन बट मंदिर तडस बोन हाल हाल वरी ब्रोह गो ततल इस लकुट अख नौजवान बोन हिंदिस जदस मज आ लोंग पे हवा से वचित तो सो जवान गो तत्ल एडमिनिस्ट्रेशन उस तम सा बासा तमो दु इजाजत कि चटन मगर अगर पे बोन गो बोन हिसाब वो किस सर सबज़ तो बोन सूत फायदे असान क्या पत्म लट गई करोना वायरसन इस वबा करोना वायरस उस तम कर सी मशी हालत बदतर से बदतर बनाव तो पत वो अगर ऑक्सीजन कत करो तम कूचा ऑक्सीजन रेट क्या दुनिया मन खास ऑक्सीजन अवेलेबल कहीं तम पे सानी मज पे तूत त दबाव कह मगर कुन जाए पे जरूरत वनो ना ना जरूरत पे पे जरूरत अगर इंसान वो कि ऑक्सीजन कूचा फरहमी कर् सानो कुलो कटो तथ मह अहम रोल ये बोन इस बोन पन ऑक्सीजन अस फरहम कर तुम वो कि बोन हालात कित पा बोन कूचा जाए रटान य
या गोन चन कह मे दिवान कह लेकिन शुगल दिवान नजर तुम वो इत प हालात मह सम लूख तु बो पे कैमरा मैन वन वो हाव लूख कित पे बोन तल शुगल करा तो बोन फायद यूत तुव ये तो मद नजर मह कि बोन चन बाक मे कुल हंद पा दवा पे छकुन कहीं या इन तिथ द्रेख रेख कर कहीं करें ग वो बो पजीज कूकन यही गुजारिश कर कौम चनार ये वन अमुक वो यह तम सीजन में आज पा रेत कोल सूत या सौत पत् हर दिवान तो वनक पन शेप बदल तरीकस मह तो वनकन शेप सह सरसब्ज वक्त गुजरान गुजरान वा हरद तसर तम सा हरद किस तसर मन बोन पानस आज बदल अ शकल नजर तुम वो वनकस इरीगेशन कॉलोनी सम्बल ये दू नजर बोन खजान ये मौजूद सो खजान वो कित पे लूख तथ मन कर वो शेजार हासिल कर तुम दू नजर बिल्कुल पे वो यूत फायद मे वो गोटे कि बोन सतन कहें मेवन हासिल अतान कह लेकिन मेव खत मजदार चीज कर हासिल ये शुगल वन शुगल आसन सतु वनकस बोन तल दू नजर कित पे लूख शेजार कर बोन मह नरमद तरूरी दपान नरमद आने सेल इज ग्रोथ पकान तेल बोन ये अत मेल तो फीमेल तजी दू तु नजर इत प बोन वनकस सरसब्ज तो चमकान अमिक पन वर कीत बड़े क्या सर्स कौमस मह सतन अजीको लूको वन बोन तूत ददार यूत बराबर अख इंसान सोच न वक्त वक्त यह कि क्या यमु फायद कुस कित पा वोत तो अमु फायद आस सी कर् खलको इन चचक तम तम जा सनिस अकस अलाक अशमस मह तक जे बोन नव बोन इन वन तक वातन तुम बोन ददा वनकस कर एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश चाहे सह एल जी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी या सह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी इन चीजन पे खास ख्याल तक थव क्या दपान अन पोश तेरे वन पोश मगर अमुक अस बोन अत बोन अस कदर कर क्या वनकस सक्सीजन पर्गी रूज सनिस मुल्कस मह कश्मीर में सह कमो बोनो कुलो कटो कर पूर तुम वो नजर बोन बहुत बे अकफी कर पे एल जी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश इन चीजन वो क्या यह सोन सह बेबह खजान ये लूख फायदे इन निश हासिल कर वनकस दियो सीम इजाजत। तो सुना आपने इस खूबसूरत से पेड़ के बारे में कि इसकी कितने सारे फायदे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक दिन हमारी जिंदगियों के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि हमारा सांस हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना हमारी जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आखिर में हम भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपने इंतजामिया से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारे पेड़ों की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे और हमारी मुश्किलें आसान कर दे, क्योंकि अनपोश तिल ये ले वन पोश। तो नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, आज का प्रोग्राम यही इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान सकीने सुब को इजाजत, मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। इसी वादे के साथ रखिएगा अपना ख्याल। फ़ियामानिल्लाह।